नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। जैसा कि यहां पर कोविड जांच केंद्र आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, यहां पर प्रशासन ने माकूल व्यवस्था कर रखी है। यहां पर टेंट की व्यवस्था की हुई है, छाया की माकूल व्यवस्था है और यहां पर कई सारे लोग भी आए हुए हैं। जैसा कि लोगों ने बीच में काफ़ी परेशानियों का सामना भी किया और लोगों ने आरोप भी लगाया कि प्रशासन ने यहाँ पर माकूल व्यवस्था नहीं की है, लेकिन जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अभी माकूल व्यवस्था नज़र आ रही है। टेंट की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है और यहाँ पर लोग बता रहे हैं पानी की भी व्यवस्था की हुई है। लेकिन मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है जो यहाँ पर जांच करवाने आ रहे हैं, पानी अपना सेफ लेके आए, साथ में रखें पानी, क्योंकि पानी अगर यहाँ पर हम पिएंगे तो हर किसी के हाथ यहाँ पर लगेंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि पानी की आप शिकायत नहीं करें, पानी अपना साथ में लाएं, क्योंकि हम यहाँ पर जांच करवाने आते हैं तो मात्र एक या डेढ़ दो घंटे तक यहाँ पर खड़े रहते हैं और इस दौरान अपनी जांच हो जाती है। और इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यास लगे तो एक गिलास या दो गिलास पानी पीते हैं, तो उतना पानी हम अपने साथ रख सकते हैं। पानी के लिए शिकायत नहीं करें, पानी अपना सेफ रखें और सेफ रहें, खुद सुरक्षित रहें। और दूसरी बात, जैसा कि यहाँ पर छाया की व्यवस्था तो देख सकते हैं, माकूल व्यवस्था है, लोग यहाँ पर छाया में खड़े हैं, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। और लोगों से आग्रह रहेगा कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ज़रूर करें, क्योंकि महामारी जितनी बड़ी हुई है उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा प्रशासन को भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हम लोग अगर सहयोग नहीं कर पाएंगे, सहयोग नहीं करेंगे तो प्रशासन कहीं ना कहीं परेशान रहेगा इस बारे में, क्योंकि जो महामारी है इसमें हम सब जानते हैं कि एक दूसरे को हम टच नहीं कर सकते, पास में नहीं जा सकते, दूरियां बनाए रखना ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रशासन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यहाँ पर कोविड टेस्ट करवाने आए तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ज़रूर करें और साथ में अपना पानी ज़रूर रखें। और रही बात, अगर यहाँ पर जितनी व्यवस्था की हुई है इसके अलावा अगर यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है और हमको लगता है कि यहाँ पर छाया की माकूल व्यवस्था नहीं है, तो जो मरीज़ हैं, वास्तव में जो कोविड के मरीज़ हैं और जिन्हें दिक्कत है, वो छाया में बैठ सकते हैं। और हम जैसे नौजवान जो अदर स्टेट में जाने के लिए यहाँ पर PCR टेस्ट करवाने आते हैं, तो हम धूप में खड़े रह सकते हैं। और धूप में हर रोज़ एक घंटा खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस समय को देखते हुए, COVID-19 महामारी को देखते हुए, अगर धूप में एक घंटा हम खड़े रह जाएंगे तो ये बहुत ही लाभदायक है। और ऐसी स्थिति में आप ये शिकायत अगर करें कि यहाँ पर छाया की व्यवस्था नहीं है और हम धूप में खड़े हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। धूप में खड़े रहना कोई नुकसान नहीं देगा। जैसा कि आप यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं, हम ज़्यादा पास में तो नहीं जाएंगे लेकिन दूर से आपको दिखा देते हैं कि अभी माकूल व्यवस्था है, यहाँ पर सभी लोग छाया में खड़े हैं, कुछ लोग जो इधर उधर धूप में भी खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग 99% छाया में लोग खड़े हुए हैं। कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या अभी हमें नज़र नहीं आती है। प्रशासन ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया हुआ है और आप सभी से आह्वान रहेगा, सभी नागरिकों से आह्वान रहेगा कि इस कोरोना महामारी में आगे आकर सहयोग करें और संयम बरतें और सुरक्षित रहें। जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें, ज़रूरी काम है तभी बाज़ार में निकलें, अन्यथा अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। कैमरामैन कबीर एमलव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, सागवाड़ा लाइव न्यूज़। तो जैसा कि यहाँ पर आप कोविड टेस्ट करवाना है सर? हाँ बिल्कुल। राकेश जी पंचाल हैं, गुवाहाटी से हैं, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी सर जी, सुबह से हम आए हुए हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, छाव की भी व्यवस्था की हुई है और यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था की हुई है। और सुबह से हमारे एक मित्र हैं सुरेश जी मीणा डॉक्टर साहब, वो भी सुबह से हमें गाइड कर रहे हैं किस तरह से क्या करना है और कितने बजे शुरू होगा। तो फिलहाल तो हम सेटिस्फाइड हैं व्यवस्था के हिसाब से। कुछ और बताना चाहेंगे इस कोविड जांच के दौरान कुछ समस्याएं नज़र आती हैं तो अगर प्रशासन को आप कोई संदेश देना चाहें या इस बारे में कोई राय देना चाहें? एक्चुअली सजेशन हम ये दे सकते हैं कि महिपाल स्कूल काफ़ी बड़ा है और थोड़ी चेयर की व्यवस्था हो जाए, थोड़े दूर दूर बैठे हैं सभी पेशेंट्स जो चेक करवाना आ रहे हैं, तो उससे क्या है कि भीड़ भड़ाका नहीं होगा और संक्रमित होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इतना बड़ा मैदान है, थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। और वैसे धूप में रहना भी अच्छी बात है, तो सुबह से हम तो धूप में ही हैं और जिनको छाव की ज़रूरत है उनके लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी की हुई है लेकिन कहीं कहीं क्राउड कहीं ज़्यादा हो रहा है, वो थोड़ा सा संक्रमित होने के चांसेस लग रहे हैं, तो हम भी थोड़ी दूरी खड़े हैं उसी डर बिल्कुल, के मारे। बिल्कुल, इस समय हमें दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि यहाँ पर क्राउड आप बता रहे हैं, तो लोगों से हमारा यही निवेदन रहेगा, क्योंकि इस भीड़ में हम जाकर नहीं बता सकते, इनको खुद को समझना होगा कि इस भीड़ में हम थोड़ा दूरी बनाए हुए रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू।
इस वक्त हमारे साथ दिलीप सिंह जी पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा से हैं और उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनकी कुछ शिकायत हैं, तो वो हमें बताना चाहते हैं। बताएं सर, क्या समस्या है? सब सैंपलिंग की जहाँ तक बात है तो सैंपलिंग तो ठीक है, यहाँ पे चल रही है और वो अच्छी चल रही है और सब व्यवस्था अच्छी है, लेकिन जो रिज़ल्ट आने में चार चार दिन का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, चार चार दिन लग रहे हैं। जो शनिवार को सैंपल लिया था उसका कल रात को पॉजिटिव नेगेटिव डिक्लेयर हुआ है। चार दिन बहुत होता है किसी की तबीयत, उसको मतलब ट्रीटमेंट लेने में किसी की तबीयत बिगड़े, कोई केस सीरियस हो जाए, तो डूंगरपुर में यही 48 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट आ रही है, तो यहाँ पे चार दिन क्यों हो रहा है? ये चीज़ को थोड़ा हैंडल करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पेशेंट को ये पता नहीं चलेगा वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ट्रीटमेंट लेना चालू कैसे करे क्या नहीं करे, तब तक उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। तो थोड़ा प्रशासन को टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी कि टेस्ट जो लैब की जो व्यवस्था है उस पर, सागवाड़ा को पता नहीं क्यों, सलूम्बर की भी अच्छा है कि मैं सुन रहा हूँ कि 24 घंटे में आ रहा है रिजल्ट। ऐसा हमने पता किया था डूंगरपुर से, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो अदर स्टेट में हमारा डूंगरपुर जो है वो गुजरात से सटा हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से अदर स्टेट में जाते हैं और वो लोग यहाँ पर जाँच ज़्यादा करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर हमारे सैम्पलिंग की संख्या ज़्यादा है और उस वजह से लैब में जो बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग जाती है, जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है और उस बारे में प्रशासन से बात भी हुई है, बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। नहीं, पर उसका जरूर, क्योंकि इसका स्वास्थ्य से सीधा संबंध है, चार बाद दिन बाद अगर रिपोर्ट आपका कहना बिल्कुल सही कि जो वास्तविक में कोविड मरीज है उसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी चालू हो जाए, तो प्रशासन से हमारा यही निवेदन रहेगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो अदर स्टेट में जाने वाले हैं उनकी जो जाँच है वो हो सकता है चार दिन लेट आए तो चले, लेकिन जो वास्तव में कोविड के मरीज हैं उनकी जाँच दूसरे दिन आ जानी चाहिए ताकि उसका तुरंत इलाज जारी हो जाए, चालू हो जाए और उसकी जान बच जाए। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।